वीडियो देखने वालों, मेरा नाम है श्रेयस और आप देख रहे हो गैजेट ब्रूट। और आज मैं करने वाला हूँ Redmi नोट 7 Pro के अनबॉक्सिंग, और ये हो रही है मेरी तकनीकी ज्वाला के साथ। और ये है तकनीकी ज्वाला का एपिसोड नंबर 2। तकनीकी ज्वाला मतलब कि आपको मिलेंगे मेरी तरफ से इस वीडियो में बहुत सारे सरप्राइजेस, तो वो सरप्राइज़ आपको किसी भी मिनट पे मिल सकता है, वीडियो के कोई भी मिनट पे हो सकता है। क्या पता वो स्टार्टिंग में हो, क्या पता वो मिडिल में हो, क्या पता वो एंड में हो। तो इस वीडियो को पूरा देखें एंड तक। तो चलिए इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब बॉक्स खोले तो सबसे पहले मिलता है हमें एक TPU केस। TPU केस की क्वालिटी इतनी अच्छी है नहीं इस, और इस फ़ोन में हमें मिलती है ग्लास बैक, तो इसलिए रिकमेंडेड है कि आप अच्छी क्वालिटी का केस लगाएं इस फ़ोन पे, नहीं तो आपकी बैक जो है उस पर स्क्रैचेस या स्क्रैच कर सकते हैं। तो इसलिए अब बात करें और कंटेंट्स की, तो और हमें मिलता है सबसे पहले ये लीफलेट्स जो कि कोई पढ़ता है नहीं। बात करें और कंटेंट्स की तो हमें मिलता है कि एक चार्जर जिसकी रेटिंग है 5 वोल्ट 2 एम्पियर की, जो कि है स्लो चार्जर, फास्ट चार्जर नहीं है। अगर बात करें इसके कंपटीशन की तो हमारे कंपटीशन में, जैसे कि इसके कंपटीशन में Realme 3 Pro आता है, उसमें मिलती है हमें OnePlus वाली डैश चार्जिंग जो कि आती है 20 वॉट्स की, बस वो ब्रांडिंग है VOOC की जो आती है Oppo से, लेकिन वो है तो Oppo, OnePlus, Vivo सारे भाई भाई, Realme भाई भाई। तो जो Realme 3 Pro है, कहने का मतलब ये है, उसमें आती है 20 वॉट्स की चार्जिंग, इसमें आती है 10 वॉट्स की चार्जिंग, वो भी 14,000 का, ये भी 14,000 का है। तो इसलिए Xiaomi को भी उनकी जो 18 वॉट की चार्जिंग आती है उनको ये फास्ट चार्जिंग देनी चाहिए इस डिवाइस में, क्योंकि इसमें मिलती है हमें 4000 mAh की बैटरी, तो वो चार्ज बहुत टाइम लगाती है आपकी बैटरी। अब बात करें और कंटेंट्स की तो हमें मिलता है ये केबल, USB टाइप सी केबल। ये अच्छी बात है क्योंकि Xiaomi ने USB टाइप सी दिया है, जबकि Realme ने हमें माइक्रो USB दिया अभी भी 2019 में। अब डिवाइस को मैंने सेटअप कर लिया है, तो डिवाइस का सबसे पहले ओवरव्यू की बात कर लेते हैं। अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो इसमें सबसे पहले हमें मिलती है ऊपर एक वाटर ड्रॉप नॉच, जो कि Xiaomi बोलता है डॉट नॉच डिस्प्ले, और इस पर हमें मिलती है 6.3 इंच की फुल HD डिस्प्ले। अगर साइड की बात करें तो साइड में हमें मिलता है वॉल्यूम रॉकर्स। नीचे की साइड बात करें तो हमें मिलता है उसके नीचे, वॉल्यूम रॉकर्स के नीचे हमें मिलता है पावर बटन। अगर नीचे की साइड बात करें फ़ोन की तो हमें मिलते हैं सबसे पहले एक स्पीकर, उसके साइड में हमें मिलता है USB टाइप सी पोर्ट, और इसके अगर हम लेफ़्ट साइड की बात करें तो हमें लेफ़्ट साइड में मिलता है ये एक सिम ट्रे। अगर उसके ऊपर की बात करें टॉप साइड की बात में तो हमें मिलता है एक हेडफोन जैक, प्यारा दुलारा हेडफोन जैक, जो कि आजकल का बहुत सारे फ़ोन्स में नहीं मिलता, तो इसलिए मैंने बोला कि प्यारा दुलारा, क्योंकि आजकल हेडफोन जैक्स कंपनी इग्नोर कर रही है। और हमें मिलता है एक सेकेंडरी माइक्रोफोन। अब बात करते हैं और चीज़ों की। डिज़ाइन जो है इस डिवाइस का, जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन है 14,000 के डिवाइस में। वन ऑफ द बेस्ट डिज़ाइन है इस डिवाइस का, हार्ड टू बीट है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें मिलती है हमें ग्लास बैक। अगर बात करें इसके कंपटीशन की, कॉम्पिटिटर्स की, तो अगर Realme 3 Pro से बात करें इसका डायरेक्ट टू डायरेक्ट कॉम्पिटिशन जो कॉम्पिटिटर है, उसमें मिलती है हमें पॉलीकार्बोनेट बैक। पॉलीकार्बोनेट होता है प्लास्टिक से बना होता है। अगर बात करें तो इसमें हमें मिलती है ग्लास बैग, तो ग्लास बैग जो कि ज़्यादा प्रीमियम लगती है, जितने भी फ्लैगशिप फ़ोन होते हैं वो यूज़ करते हैं ग्लास बैग। अगर 14,000 के फ़ोन में Xiaomi दे रहा है हमें ग्लास बैग, तो वो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा। अब आप बोलोगे ड्यूरेबल तो प्लास्टिक है ज़्यादा या पॉलीकार्बोनेट है, लेकिन टाइम टू टाइम भर अगर आप फ़ोन आपका आप बिना केस के यूज़ करते हो या केस के साथ भी यूज़ करते हो, तो लेकिन ज़्यादा स्क्रैचेस जो है वो आपकी पॉलीकार्बोनेट पे आएंगे बैक पे, बजाय कि ग्लास पे। अगर आप केयरफुली यूज़ करोगे, नहीं भी यूज़ करोगे, तो भी पॉलीकार्बोनेट पे ज़्यादा स्क्रैचेस आएंगे, क्योंकि वो मटेरियल इतना घटिया मटेरियल होता है, जो यूज़ करने में भी उस पर बहुत सारे स्क्रैचेस आ जाते हैं, बहुत गंदा लगने लग जाता है बाद में वो पॉलीकार्बोनेट बैग। इसलिए ग्लास बैग जो होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है, ज़्यादा प्रीमियम फील कराती है। फ़ोन आपका 14,000 का अगर आपने फ़ोन लिया तो वो लगता ही नहीं 14,000 का है, वो लगता है कि वो ज़्यादा का है। और इसका डिज़ाइन जो डिज़ाइन लैंग्वेज है वो Xiaomi ने बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन किया है ये फ़ोन तो। और आप जैसे इसका कलर देख सकते हैं, मैंने मंगवाया है नेबुला रेड कलर, तो नेबुला रेड कलर जो इसका है वो सबसे ज़्यादा अच्छा कलर है मेरे हिसाब से, मेरे को ये ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी वन ऑफ द फेवरेट सबका कलर है ब्लैक, ब्लू कलर भी इसका अच्छा है, लेकिन मेरे को रेड कलर ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने मंगवाया नेबुला रेड कलर। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही प्रीमियम लग रहा है इस कलर में।
तो डिज़ाइन में मुझे मेरी तरफ से इस अब बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की। जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, बहुत स्टर्डी बनाया है Redmi Note 7 Xiaomi ने। अब आप बोलोगे कि ये ग्लास बैग है तो स्टर्डी कैसे है। अगर आप मैं बात करूं और जितने भी डिवाइसेस हैं कॉम्पिटिटर्स हैं इसके, वन ऑफ द बेस्ट बिल्ड क्वालिटी फ़ोन है। बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, Xiaomi ने बहुत अच्छा काम किया इसकी बिल्ड क्वालिटी पे। क्योंकि अगर मैं बात करूं डायरेक्ट टू डायरेक्ट कंपैरिजन, जैसे कि मैंने आपको पहले ही समझा चुका हूं, Realme 3 Pro में मिलती है पॉलीकार्बोनेट बैग, तो पॉलीकार्बोनेट बैग इतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी में नहीं मानी जाती, स्क्रैचेस ज़्यादा आते हैं उस पर एज़ कम्पेयर टू ग्लास बैग। अगर आप केयरफुली यूज़ करो ग्लास बैग, नहीं तो उस पर भी स्क्रैचेस आ जाएंगे, लेकिन वो ज़्यादा बिल्ड क्वालिटी उसकी ज़्यादा अच्छी रहेगी अगर आप केस लगा के यूज़ करो। अगर आपका केस लगा के दोनों डिवाइसेस को यूज़ करते हो तब मेन पता चलेगा कि आपका जो ग्लास बैग वाला फ़ोन है उसकी बिल्ड क्वालिटी ज़्यादा आपकी ड्यूरेबल रहेगी और आपका डिवाइस ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक चलेगा। अब बात करें इसकी डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले हमें मिलती है इसकी 6.3 इंच की फुल HD डिस्प्ले, जो कि आती है हमारी वाटर ड्रॉप नॉच के साथ, और Xiaomi इसे बोलता है डॉट नॉच डिस्प्ले। तो इसकी डिस्प्ले की अगर मैं क्वालिटी की बात करूं, डिस्प्ले पैनल इसका बहुत अच्छा है, वन ऑफ द बेस्ट नहीं है, लेकिन अगर मैं बात करूं, क्योंकि इसमें मिलती है हमें IPS LCD डिस्प्ले। IPS LCD डिस्प्ले को हम आप समझो कि इस समय अगर मैं आपको डायरेक्ट कंपैरिजन की बात करूं, तीन डिस्प्ले होती हैं। सबसे बेस्ट डिस्प्ले जो माना जाता है AMOLED डिस्प्ले माना जाता है, नंबर टू पे IPS LCD आता है और नंबर थ्री पे आता है TFT डिस्प्ले, वो सबसे बेकार होती है। तो इसमें हमें मिलती है IPS LCD डिस्प्ले। अगर बात करें इसके और कंपटीटर्स की, तो औरों में भी हमें इस बजट में IPS LCD डिस्प्ले मिलती है। केवल सैमसंग ही एक ऐसा ब्रांड है जो हमें देता है AMOLED डिस्प्ले इस बजट में। हाँ, और ओप्पो के या वीवो के कोई एक एक डिवाइस आते हैं, जैसे कि K1 ओप्पो का या फिर वीवो का जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट वाला, क्योंकि उसमें AMOLED डिस्प्ले देनी ही पड़ती है वरना इन डिस्प्ले उसका वर्क नहीं करता। तो अब बात करें अगर डायरेक्ट टू डायरेक्ट कंपैरिजन की, जैसे कि Realme 3 Pro है या और इसका कंपैरिजन Redmi Note 7 Pro का, तो इसमें जो डिस्प्ले अगर दोनों की डायरेक्ट टू डायरेक्ट मैं अगर कंपैरिजन करूं, तो दोनों की जो डिस्प्ले है उसमें से जो इसकी डिस्प्ले वो ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि इसमें मिलती है हमें एक ओलियोफोबिक कोटिंग। ओलियोफोबिक कोटिंग क्या होती है? ओलियोफोबिक कोटिंग ये होती है कि आपका जो डिवाइस है, अगर आपके हाथ ऑयली हैं या अगर आपके हाथ आपने खाना खाया हुआ है तो ऑयली हो गए, या फिर आपके आप हाथ धो के आए हो और अपने डिवाइस को यूज़ करना चाहते हो, तो वो अगर आपके फ़ोन में ओलियोफोबिक कोटिंग होगी तो वो डिवाइस आपका एकदम अच्छे से स्मूथ चलेगा आपका डिस्प्ले पे। और जो और बाकी के डिवाइसेस जैसे Realme 3 Pro या Vivo Oppo के जो सस्ते डिवाइसेस होते हैं, तो उनमें ओलियोफोबिक कोटिंग नहीं होती। तो अब बात करें इसकी परफॉर्मेंस की, तो हमें मिलता है इसमें Qualcomm Snapdragon का 675 प्रोसेसर, जो कि वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर है इस प्राइस रेंज में, वन ऑफ द बेस्ट। आप मेरे हिसाब से, मैं इसलिए आपको इसलिए बोल रहा हूँ, अब आप बोलो कि 675 से तो अच्छा तो Qualcomm का Snapdragon 710 है अंडर 15,000, बट अगर मैं नहीं मानो जो Qualcomm का जो Snapdragon 710 है वो नंबर में बड़ा है, लेकिन अगर उसमें थोड़े से हीटिंग इश्यूज भी हैं, अगर मेरी मानो साइड बाय साइड कंपैरिजन की, तो 675 ज़्यादा उभर के आएगा उससे, क्योंकि वो नए आर्किटेक्चर पे बना है, नए Qualcomm का नया चिपसेट है, तो जो नया प्रोसेसर होता है ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है एज़ कम्पेयर टू पुराने चिपसेट को। और जो Qualcomm का 710 है उसके N22 बेंचमार्क के जो स्कोर है वो कम है 675 से, और परफॉर्मेंस आपकी जो होती है वो ऑप्टिमाइजेशन पे भी मैटर करती है। तो कलर वो इसकी जो Realme में मिलता है वो बेकार है, घटिया है, वो इतना अच्छा नहीं है। लव और हेट वाली रिलेशनशिप होती है, कई लोगों को अच्छा लगता है कलर वो, कई लोगों को नहीं लगता अच्छा, तो मेरे को पर्सनली अच्छा नहीं लगता कलर वो। तो जब तक आपका यूज़र इंटरफेस, आपका सॉफ्टवेयर अच्छे से ऑप्टिमाइज़ नहीं होगा, आपका फ़ोन के में कोई भी आप दे दो प्रोसेसर दे दो, आपका फ़ोन नहीं परफॉर्म करेगा। तो इसीलिए इसमें हमें जो 675 मिलता है वो वन ऑफ द बेस्ट चिपसेट है, और Xiaomi की ऑप्टिमाइजेशन भी बहुत अच्छी है। अगर बात करें इसकी रैम और स्टोरेज की, तो मेरे इस पर्टिकुलर वेरिएंट में मिलता है 4GB की रैम और 64GB की इंटरनल स्टोरेज, जिसकी प्राइस है 13,999 रुपये। अगर बात करें और रैम और स्टोरेज वेरिएंट की, तो हमें मिलता है इसमें एक 6GB रैम और 128GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ, जो कि आता है 17,000 की प्राइसिंग में। मैं ये बोलूँगा कि आप 14,000 वाला वेरिएंट ही लीजिए अगर आपको स्टोरेज ज़्यादा नहीं चाहिए,
बात करते हैं इसकी बैटरी लाइफ की, तो बैटरी हमें मिलती है इसमें 4000 mAh की बैटरी, जो कि आपका एक दिन तो पूरा आराम से निकाल देगी एक सिंगल चार्ज पे। अगर बात करें इसके चार्जिंग टाइम की, तो चार्जिंग टाइम आपका इसमें मिलता है अराउंड आपका 2.5 घंटे से तक तो लगेगा ही चार्जिंग में टाइम, क्योंकि हमें मिलता है इसमें स्लो चार्जर, मतलब स्टैंडर्ड चार्जर मिलता है जो कि आता है 10 वॉट्स का, तो आपके चार्जिंग में 2.5 घंटे तो लगेंगे। अगर बात करें साइड बाय साइड कंपैरिजन की इसके और कंपेटिटर से, तो Realme 3 Pro में हमें 20 वॉट्स की चार्जिंग मिलती है, इसमें 10 वॉट्स की मिलती है, वो आपका लगभग लगभग 1.5 से 2 घंटे में चार्ज कर देगा। उसके भी 4000 mAh की बैटरी है, इसकी भी 4000 mAh की बैटरी है, वो 1.5 घंटे में चार्ज करेगा। Realme 3 Pro ये आपका 2.5 घंटे में चार्ज करेगा। अब बात करें इसकी ऑडियो की, तो ऑडियो इसकी ठीक ठाक है, ना अच्छी है ना बुरी है, क्योंकि हमें मिलता है इसमें एक सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर, एक ही स्पीकर है, तो क्वालिटी और उस स्पीकर की क्वालिटी इतनी अच्छी भी नहीं है ना इतनी बुरी है, तो आप कह सकते हो कि ओके स्पीकर है। आपको जो YouTube वीडियोस देखोगे या म्यूज़िक सुनोगे तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन हाँ क्वालिटी स्पीकर की थोड़ी ज़्यादा अच्छी हो सकती थी, थोड़ा ज़्यादा लाउड हो सकता था स्पीकर, तो वहाँ Xiaomi को ज़रूर इम्प्रूव करना चाहिए। अब बात करें इसके कैमरा की, तो कैमरा हमें मिलता है इसमें डुअल कैमरा, जो प्राइमरी कैमरा है रियर साइड में वो हमें मिलता है 48 मेगापिक्सल का, और ये आता है सोनी का IMX586 सेंसर के साथ, और जो सेकेंडरी कैमरा है वो आता है हमारा 5 मेगापिक्सल का। अगर बात करें इसके कैमरा सैंपल्स की, तो कैमरा सैंपल्स आप जैसा कि देख ही सकते हैं, मैंने इसमें प्रो मोड में खींचा है, मैंने पोर्ट्रेट मोड में खींचा, मैंने इसका नॉर्मल मोड में खींचा है, मैंने 48 मेगापिक्सल में खींचा है। अब मैं अगर बात करूँ नॉर्मल यूज़र की, तो Xiaomi ने पहले जब मैंने इस डिवाइस को अनबॉक्स किया था तो मैंने चला के देखा था, तो अपडेट से पहले इस डिवाइस में 48 मेगापिक्सल का जो इनेबलनेस था, जब आप जो फ़ोटो खींच सकते थे वो आप 12 मेगापिक्सल में खींच सकते थे, प्रो मोड में आप 48 मेगापिक्सल की फ़ोटो खींच सकते थे, तो अपडेट्स के बाद Xiaomi ने इस डिवाइस में 48 मेगापिक्सल का जो प्रो मोड से अलग कर दिया है। अब आप नॉर्मल में भी 48 मेगापिक्सल की फ़ोटो खींच सकते हो, लेकिन कोई लंबा चौड़ा फ़र्क है नहीं, थोड़ी सी डिटेल्स आपकी अच्छी आ जाएगी। हालांकि इसका कैमरा बहुत बढ़िया है, वन ऑफ द बेस्ट है 15,000 की प्राइस में, लेकिन अगर मैं बात करूँ 48 मेगापिक्सल का बेवकूफ़ बनाना, तो वो तो Xiaomi से कोई सीखे, क्योंकि बेवकूफ़ तो Xiaomi बना रही है लोगों को 48 मेगापिक्सल की गेम खेलते हुए, और लोगों को बोल रही है कि 14,000 रुपये में हमने 48 मेगापिक्सल का कैमरा दे दिया, तो ऐसी बात तो है नहीं जी कि आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा, जो क्योंकि वैसी आपको क्वालिटी मिल नहीं रही है जो और बाकी के फ्लैगशिप फ़ोन्स में 48 मेगापिक्सल का कैमरा आ रहा है, तो सिर्फ Xiaomi आपका मार्केटिंग गेम खेल रही है यहाँ पे 48 मेगापिक्सल। बात करते हैं सरप्राइज़ की, तो सरप्राइज़ मैं इसका दे रहा हूँ आपको एक गिव अवे, ब्रांड न्यू Redmi Note 7 Pro आप जीत सकते हो, 4GB RAM 64GB इंटरनल स्टोरेज वाला। अब बात करें कि आप इस डिवाइस को कैसे जीत सकते हो, इस डिवाइस की आपको सबसे पहले इस वीडियो के नीचे एक कमेंट करना पड़ेगा कि आपको इस डिवाइस के बारे में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या आपको इस डिवाइस में कैमरा अच्छा लगा या ऑडियो अच्छा लगा या बैटरी अच्छी लगी, कुछ भी आप कुछ भी कमेंट कर सकते हो। और बात करें कंडीशंस की, तो इस वीडियो को आपको लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपका जो गिव अवे है, अगर आप जीत जाते हो और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपका गिव अवे किसी और को चला जाएगा, क्योंकि ये YouTube की पॉलिसी है, रूल है, क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपका गिव अवे, जीता हुआ गिव अवे किसी और को चला जाएगा, फिर बाद में मत बोलना कि ये तो मैं जीता और आपने मुझे गिव अवे नहीं दिया, तो इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करना। और इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो मेरे Instagram पेज पे आएगा, मैं YouTube पे रिज़ल्ट नहीं निकालूंगा, तो आपको मेरे Instagram पेज को फॉलो करना पड़ेगा, जो कि है गैजेट ब्रूट के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि क्या कंडीशन है, और इसकी कंडीशन की बात करें तो आपको गिव अवे मिलेगा 25,000 व्यूज़ पे। जैसे ही वीडियो 25,000 व्यूज़ क्लियर हो जाएगी, आपको गिव अवे मिल जाएगा आपके घर के बाहर। और बात करें कि शेयर करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करोगे वीडियो को तो आपके चांसेस नहीं बढ़ेंगे
हो सकता है आप कमेंट करके लिख दो, आपने लाइक कर दिया, आपने शेयर नहीं किया, आपने सब्सक्राइब कर दिया, आपने शेयर नहीं किया, बाकी सारी अपनी चीज़ें कर दी, मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर दिया, लेकिन अगर आपने शेयर नहीं किया ना तो आपका चांसेस जो है वो इंक्रीज़ नहीं होगा। आप गिव अवे, हो सकता है मेरे और भी गिव अवे आने वाले हैं, तो आप वो गिव अवे हर गिव अवे आप एंटर तो करो, लेकिन अगर आप शेयर नहीं करोगे तो आपके चांसेस नहीं बढ़ेंगे। तो जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं सब पे आप शेयर कीजिए वीडियो को, तो आपके चांसेस बढ़ सकते हैं। हो सकता है आप एक डिवाइस जीत जाओ मेरा या 10 डिवाइसेस जीत जाओ, क्योंकि मेरे बहुत सारे नए और एक्साइटिंग गिव अवेज आने वाले हैं, क्योंकि मेरी तकनीकी ज्वाला की जो एपिसोड्स हैं उसमें आपको हर एपिसोड में गिव अवे मिलेगा। तो ये मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बोला हुआ है, तो इसलिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने चांसेस को बढ़ाने के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए आपसे लेते हैं अलविदा, अब आपसे मिलते हैं नई किसी वीडियो में,